हमारी जो अगली स्पीकर हैं शी इज़ वेरी डिफरेंट. एक सीनियर न्यूज़ एंकर रही हैं और अब न्यूज़ प्रोड्यूसर रही हैं एंड नाउ शी इज़ डूइंग समथिंग दैट इज़ सो वैल्यूएबल एंड सो नेसेसरी इन आर सोसाइटी. ये जियो पर जेंडर सेंसिटिविटी का डिपार्टमेंट हेड करती हैं एंड शी इज़ वर्किंग ऑन रिसर्चिंग द पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया. अगर हम बात करते हैं कि औरतों के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और हमारा मीडिया उसमें कितना शामिल है या क्या कर रहा है, शी इज़ समबडी हु इज़ एक्चुअली वर्किंग टू चेंज दैट, टू सी के हमारा जो मीडिया है उसमें वुमेन किस तरह पोर्ट्रे हो रही हैं और सोसाइटी में किस तरह उनका इम्पैक्ट हो रहा है. लेट्स लिसन टू हर स्टोरी. प्लीज गिव इट अप फॉर उज़्मा अलकरीम. खान शिराज शमा इज द बेल रिंगिंग कुछ जहन में आ रहा है. ओके A3 G9 G3 सॉरी नो बसेस यस. किस किस ने पब्लिक बसेस में ट्रेवल किया है? बैक इन अर्ली 90s तीन लड़कियां क्लास 9 की स्टूडेंट आई वॉज वन ऑफ देम. अब मैं ईयर नहीं बताऊंगी एग्जैक्टली वरना आप मेरी एज का अंदाजा लगा लेंगे. हम लोग दस्तगीर अय्यूब मंजिल पर रहते थे और हमारा जो स्कूल था वो गुलशन चौरंगी पर था. 6A एनीवन नोज़ अबाउट 6A? एक हाथ ओके कुछ हाथ. बहुत देर में आती थी, 20-20 मिनट के बाद आती थी. एक्स्ट्रा क्लासेस थी हमारी. अब मेरे बोला कि बहन तो आई नहीं है, तुम लोग निकलो और खुद से बसेस में ट्रैवल करो. पहले दिन हम निकले, 20 मिनट के बाद आई, बहुत भरी हुई निकल गई. फिर 20 मिनट के बाद आई और भरी हुई. तीसरी तो हम मिस कर ही नहीं सकते थे तो एक पैर रख कर उस पर और हम लटकते हुए गए. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम पैदल ही चले जाएंगे. तो तीन लड़कियां अर्ली 90s में जब कराची को डेंजरस मोस्ट सिटी कहा जाता था, खैर उस फिगर से मुझे एतराज़ है क्योंकि उस टाइम पे भी कराची 4th या 5th पे था और न्यूयॉर्क और केप टाउन ऊपर टॉप नंबर्स पे थे. तीन लड़कियां सिर्फ बातें पूरी नहीं होती थी तो गन्ने हाथ में लेके खाती हुई दस्तगी रैयो मंजिल से गुलशन चौरंगी तक पैदल जाती थी अर्ली 90s में. एंड दैट मेड अस थिंक कि कराची उस टाइम पे भी उन तीन लड़कियों के साथ न जाने और कितनी लड़कियों के लिए सेफ था. हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि बाइक पे जाते हुए लड़के या और कोई लोग हम पे आवाज़ें कसते हुए जाएं या हमें देखते हुए जाएं. वो देखते ज़रूर थे लेकिन उन गन्नों को जो हम खा रहे होते थे और हमने कभी उनको नहीं किए. ये तो बात थी अर्ली 90s की. 2003 जब मैं न्यूज़ एंकर थी, द ओनली फीमेल एंकर ऑफ द ओनली प्राइवेट चैनल. मुझे अंदाज़ा नहीं था लेकिन मैं स्टार्ट थी. पैसे वैसे होते नहीं थे हमारे पास, तो तनख्वाह हमारी बहुत कम थी, 4 figures में थी लेकिन जहाँ से 4 figures शुरू होता है हम वहीं पर ही थे उस वक्त. तो जब दुबई से कराची आई तो हमारी दादी गुलशन मेहमान में रहती थी और हमने कहा टैक्सी में जाएंगे जौहर से तो बहुत पैसे लग जाएंगे. तो वो बड़ी वाली बस चलती थी शायद पता नहीं 2K या 4K, मुझे एग्जैक्टली नंबर दिया जी 4D. ओके थैंक यू. तो हम बस में बैठ गए चादर वादर लपेट के पूरा नकाब करके कि चलो बस में चले जाएंगे. और बराबर में खातून बैठी थी वो बातें करना शुरू हो गई. बातें करते करते उन्होंने बोला कि आपकी आवाज़ उस्मा अलकरीम से बहुत मिलती है. मैंने बोला जी आई गेट दिस अलॉट एंड देन आई ट्राई टू कीप क्वाइट. फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला आपकी आँखें भी उस्मा अलकरीम से बहुत मिलती है. मैंने बोला अच्छा. और फिर वो पसर गई कि नहीं आप उज़्मा अलकरीम ही हैं, आप हमें अपना चेहरा दिखाएं. अब खैर हमने उनका हाथ वाथ पकड़ा खामोशी से अपना चेहरा दिखाया कि हाँ मैं उज़्मा अलकरीम ही हूँ. तो खैर ये सब बताने का मकसद ये था कि मैंने कराची की सड़कों को इन्हीं बसों में बैठ कर जाना है. लोग मुझे अवामी जर्नलिस्ट अवामी सहाफ़ी बोलते हैं तो ये अवामीपन या लोगों को जानना मैंने इन्हीं सड़कों में सीखा है. आंखों में आंखें डालकर बात करने का एतमाद भी मुझे इसी शहर ने दिया है. एंड दैट्स व्हाई आई प्राउडली से आई लव कराची एंड आई एम एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट. तो मैं कोई प्रेजेंटेशन बना के नहीं लाई हूँ और सेकेंड या थर्ड नंबर पे आने का छोटा सा एक इंसान होता है, बहुत सारी बातें हो चुकी होती हैं.
कल जब मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई अपने कोलीग से डिस्कस कर रही थी कि मुझे आईएम कराची में जाना है और ये बात करनी है, तो उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई. रियाज मेरा दोस्त है और आई वॉन्ट टू शेयर दैट स्टोरी. माई कराची के पास उसने मुझे कहा कि एक बार, मैं नाम हो जाती हूँ उनका, सेठ नाउमल आए. और सेठ नाउमल एक सहाफी, वो सभी सहाफी हमेशा बोलते थे हमें, एक बिजनेस मैन थे, वो बाकी कॉन्ट्रोवर्सी अपनी जगह सेठ नाउमल की. लेकिन वो आए, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे तजारत करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे अपना एक मस्तन, अपना एक एरिया बनाना है. तो माई कराची ने खुले हाथों से उनको वेलकम किया और कहा कि आप शुरू कीजिए तजारत. तो उन्होंने जो एरिया अपने लिए आइडेंटिफाई किया, उसके दो दरवाजे बनाए. एक पीछे पानी की तरफ खुलता था जो कि दियारी नदी, जिसमें उस जमाने में पीने लायक पानी हुआ करता था, और एक समंदर की तरफ यानी कि खारे पानी की तरफ. तो इसीलिए उन दो दरवाजों का नाम उनको आज हम मीठा दर और खारा दर के नाम से जानते हैं. स्टोरी बताने का मकसद ये था कि दो चीज़ों की बुनियाद माई कराची ने रखी जो कि आज तक कराची का हासा है. एक तजारत, कराची आज भी एक पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, और एक खुले दिल से लोगों को वेलकम करना. हमने कराची में पाकिस्तान के हर कोने से हर जबान बोलने वाले इंसान को यहाँ आकर बसते हुए देखा, और इस शहर में हर एक को हाथ खोल कर वेलकम किया. सब अपने अपने कल्चर्स यहाँ पे लेकर आए और इस शहर की खूबसूरती उन्होंने बनाई. यही है डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ द सिटी. लेकिन जब इतनी डाइवर्सिटी आती है तो वो जाहिर सी बात है अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाती है. और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने फेस किया वो मैनेजमेंट का था. पीस ऑफ माइंड, लोगों की सोचें सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन कराची के जो भी मसाइल हम देखते हैं, चाहे वो ट्रैफिक के मसाइल हों, चाहे गंदगी के मसाइल हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या कोई और, आई गेस वो लोगों का नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट का मसला है. इट्स जस्ट द मिसमैनेजमेंट जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कराची में जो भी प्रॉब्लम्स हमने इतने अरसे में देखे हैं. सिर्फ बात ये कहने की है कि आई थिंक कि हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए. और जिस तरह से अली पहले बोलकर गए, उसी बात को मैं रिपीट ज़रूर करना चाहूँगी कि आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट ज़रूर हो सकता है, उसको एज इज एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि इस सिटी ने हमेशा ये भी किया है. इस शहर ने बहुत से खौफनाक और हौलनाक दिन देखे हैं, अंधेरे से ज़्यादा अंधेरी रातें देखी हैं, लेकिन न जाने क्यों एक जज्बाती लगाव सा है इस शहर के साथ. बहुत से ऐसे मौके आए और बहुत से लोगों को ये मौके मिले होंगे कि ये शहर छोड़ के जा सके, लेकिन न जाने क्यों इस शहर ने हमें रोक के रखा. तमाम तर मसाइल के बावजूद, तमाम तर अंधेरी रातों के बावजूद, इस शहर का एक मुझे लगता है कुदरती हीलिंग सिस्टम है, एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है. यह शहर खुद बहुत हीला करता है, और वही चीज़ मेरे ख्याल से हम लोगों में भी है, इस शहर के लोगों में भी है, कि कितने भी मुश्किल हालात हो हम वापस से जी उठते हैं. और इसी नेचुरल हीलिंग सिस्टम की वजह से आज कराची वापस वही है जहाँ पर हम उसको देखना चाहते थे. इसकी रोशनियाँ वापस लौटी हैं, और क्योंकि हमने उस टाइम पर ये टफ डिसीजन लिया, we stayed back, so we can proudly say that yes, we love Karachi and we are Karachi. एक और बहुत ही दिलचस्प बात है इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर सुन रहे होते हैं तो शायद रजिस्टर नहीं होती, बड़े अजीब अजीब नाम है मुख्तलिफ इलाकों के. लालू खेत कभी हमने सोचा नहीं, जो अपना निशाना ठीक करना चाहते हैं उनके लिए गोली मार, जो बहुत तेज रफ्तार है उनके लिए नामों के हिसाब से दो मिनट चलेंगी, दो मिनट हर चीज, दो मिनट एक नाम रन छोड़ लाइन, रन छोड़ लाइन. मुझे लगता है ये सिर्फ अहमद ब्रदर्स के लिए है. इसके अलावा मेदे की तेजाबियत के लिए बर्न थ्रोट, राइट, और कुछ शौकीन लोगों के लिए बोतल गली. एक थोड़ा स्लाइडेड उन्हें बात कर रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोस्ट चीज इस शहर की ये है कि इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मोस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सस्ता शहर है, हाई एंड से लेके लो एंड तक मैं तो कहूँगी एंडलेस प्राइस मिल जाती है. एक वाक्य जरूर शेयर करना चाहूँगी, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, बट दैट्स ओके, वी ऑल आर कराची तो वी कैन शेयर दैट.
I think ये 2006 की बात है. हमें चार दिन के लिए यूरोप जाना था और पहला यूरोप ट्रिप था. ओवरकोट होते हैं कराची में, कभी ओवरकोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. हमारे हस्बैंड इज सिटिंग देयर. ही वेंट टू द मार्केट एंड उन्होंने अपने लिए जो ओवरकोट देखा वो 15,000 या 12,000 का मिल रहा था. जो मेरे लिए देखा वो 8,000-9,000 का मिल रहा था. उन्होंने फ़ोन किया कि चार दिन के लिए चाहिए. मैंने कहा मेरे कज़न आए हैं स्वीडन से, सो वो तो है अभी एक महीना, आई बोरो इट फ्रॉम देम, क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की. उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं तो हूँ अवामी. मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई ओपन मार्केट, लाइक यू नो व्हाट एडवर्ट आई मीन ओपन मार्केट संडे बाजार. तो वहाँ जाके मैंने अपने लिए जैकेट लिया, 900 रुपये का फर्स्ट क्लास को जैकेट. मैंने कहा ड्राई क्लीन कराऊंगी, पहन लूँगी. अपने हस्बैंड के लिए देख रही तो वो दो जैकेट्स में मैं कन्फ्यूज थी. दुकानदार मुझे बोलता है कि भाजी ये ले जाएंगे, भाई के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा. मगर तुमने भाई को बड़ा देखा है, अच्छा लगेगा. वो मॉर्निंग शो में नहीं आए थे आपके साथ. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इतना भी क्या आवाम नहीं बना कि आप भूल ही गए कि लोग आपको पहचानते हैं. बट यस, मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम सब ने एक्सपीरियंस की है और इसी से मुझे लगता है कि हम सब की मोहब्बत जो है वो इस सिटी के लिए और बढ़ जाती है. और जहाँ शॉपिंग अच्छी हो वहाँ तो ख़वातीन के लिए तो हेवन है, और अगर ख़वातीन खुश तो घर खुश. मैं वैसे भी जेंडर सेंसिटिविटी डिपार्टमेंट हेड करती हूँ और तमाम पाकिस्तान के जो सीनियर मीडिया पर्सन तस्वुर की जाती हूँ, सो वो जब भी कोई इश्यूज होते हैं नेशन वाइड तो दे ऑल डिस्कस इट विद मी, नॉट इवन ओनली फ्रॉम द जियो, बट जाहिर सी बात है जितने भी हमारे मीडिया के साथ हैं तो जेंडर रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं दे कॉल एंड दे डिस्कस इट विद मी. और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि सबसे ज़्यादा मीडिया में विमेन पार्टिसिपेशन कराची से है. और ये सिर्फ मुझे लगता है कि कराची की जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ मीडिया में नहीं, आई वुड लाइक यू टू सेकंड मी अगर मैं सही कह रही हूँ, कि हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन कराची शहर से सबसे ज़्यादा है. अब अगर कराची सेफ नहीं होता तो इतनी विमेन पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस शहर से कैसे आती. तो मेरे ख़्याल से कुछ चीज़ें हमने से मतलब मीडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोपगेट की हुई हैं, लेकिन हालात बहुत बेहतर हैं. ये शहर बहुत प्यारा है. इस शहर में आज हम और आप सब यहाँ पर बैठे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये इस शहर के सेफ़ एंड साउंड होने का जो है एक बहुत बड़ा इंडिया है. एक और चीज़, ख़वातीन के लिए तो सेफ हेवन है ही, बल्कि यहाँ तो अक्सर बेचारे मर्द परेशान रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कोई ख़वातीन को आज़ादी मिली हुई है. मैं एक एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगी, किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक जाहिर सी बात है जब हम इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं, क्योंकि आई एम अ मीडिया पर्सन तो मुझे थोड़ी सी मीडिया के हवाले से भी बात कर लेनी चाहिए. जब हम इश्यूज़ हाईलाइट करते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कहाँ तक इशू हाईलाइट हो रहा है और कहाँ इस सोसाइटी की पॉजिटिविटी सेक्रीफाइस हो रही है, या कहाँ पहुँच कर हम उस इशू को या उस प्रॉब्लम को लोगों के लिए एक्सेप्टेबल बना देते हैं. हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझसे ये वाक्या शेयर किया कि रात के 2-2.5 बजे वो कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रात के 2-2.5 बजे एक खातून जो हैं वो अकेली, उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था तो वो टायर ठीक करवा रही थी. एंड शी वॉज़ इन अ पार्टी ड्रेस, शी माइट बी कमिंग फ्रॉम अ पार्टी. तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी कि लड़की बेचारी अकेली करा रही है गाड़ी ठीक, तो खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए तो आई शुड स्टे. उस लड़की ने भी शायद नोट कर लिया होगा, उसने आधा घंटा गाड़ी वाड़ी ठीक कराई. व्हेन शी वेंट बैक तो उसने जाते हुए उन साहब को हाथ हिलाया थैंक यू कहने के लिए. ये वापस आई और मैंने कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट देखा, एक टीवी चैनल पे वो चीज़ चली थी कि एक लड़की को उन्होंने, ऑफकोर्स दे मेड इट अप, कि एक लड़की को तैयार करके उन्होंने खड़ा किया और बाइक पे एक लड़का आके वहाँ पे रुका और फिर उसको पकड़ा कि आप क्यों रुके हैं एंड ऑल दैट, यू आर ट्राइंग टू हरेस, या आप उससे कुछ करना चाह रहे थे. वो ठीक है, ये इशूज़ हाईलाइट करना हमारा काम है. लेकिन जब ये स्टोरी मैंने, ये जो गाड़ी वाली स्टोरी थी, मैंने अपने ऑफिस के एक सीनियर पर्सन मीडिया मैनेजर से शेयर की तो ही जस्ट स्टॉप्ड लुकिंग एट मी एंड ही सेड के यार उज़्मा ये तो एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है. उन्होंने मुझसे फिर अपनी स्टोरी शेयर की. उन्होंने कहा कि मैं एक दिन सुबह वॉक पे गया तो समहाउ ईद का दूसरा दिन था तो बहुत कम लोग वॉक पर आए हुए थे, सिर्फ 4 लोग थे. उन्होंने कहा 3 हम आदमी थे और एक कोई लड़की वॉक पर आई हुई थी. उन्होंने कहा कि जॉगिंग वॉगिंग करके उन्होंने कहा मैं बैठ गया. मैंने कहा यार पता नहीं ये लड़की अकेली है, आई डोंट नो, ये अकेली जॉग कर रही है, ये चली जाएगी उसके बाद मैं जाऊँगा. और उन्होंने कहा कि आप सही कह रही हैं कि हो सकता है वो लड़का, क्योंकि हमारी फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं,
हो सकता है वो लड़का वाकई इसलिए रुक गया हो बाइक पे कि लड़की अकेली तैयार खड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई बदतमीजी करे, तो आई शुड स्टे, जब वो चली जाएगी तो मैं चला जाऊँगा. एंड व्हेन यू नो व्हाट, व्हेन वी शेयर दीज गुड स्टोरीज, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट कराची. व्हेन आई शेयर वन गुड स्टोरी अबाउट दिस सिटी टू एनी वन, आई गेट टू और थ्री मोर स्टोरीज. सो आई वॉन्ट टू टेक द इनिशिएटिव. मैं आई एम कराची की मैनेजमेंट से ये भी रिक्वेस्ट यहाँ करना चाहूँगी कि ये जो पॉजिटिव स्टोरीज है ना, इनकी एक चेन बनाइए. ये हम मीडिया पे प्लीज़ आप लोग नहीं छोड़ दीजिए, हम नहीं करेंगे. अगर चार लोग दरख्त लगा रहे हैं और एक दरख्त काट रहा है तो हम दरख्त काटना दिखाएंगे. और इसमें मीडिया का कसूर नहीं है, हमारा काम है एज अ मीडिया, एज अ जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सोसाइटी में गलत हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको सामने लेकर आएं. अब खैर हम उस चीज़ में बहुत ही आगे चले गए हैं, वो लाइन शायद हम क्रॉस कर गए हैं जहाँ तक ये डिसाइड होता है कि कब तक इशू रेज हो रहा है और कब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है. सो आई थिंक वी ऑल शुड क्रिएट अ चेन अबाउट द पॉजिटिविटी एंड द पॉजिटिव स्टोरीज ऑफ दिस सिटी, ताकि हमको अंदाज़ा हो, हमें और कॉन्फिडेंस हो कि ये शहर बहुत अच्छी स्टोरीज हमें देता है. तो आई गेस आप लोग ये स्टार्ट कीजिए. एंड ऑफ द टॉक आई वुड लाइक टू से, क्योंकि घड़ी तो रुक चुकी है, इसने मुझे 15 मिनट दे दिए, 3 मिनट पे पहले रुकी हुई थी, कि आई एम बॉर्न इन कराची, आई एम रेज्ड इन कराची. इस शहर ने वो माँ बाप दिए मुझे जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अगर किसी और शहर में पैदा हुई होती तो ना मेरे ये पेरेंट्स होते, ना मेरे ये दोस्त होते जो मुझे इस शहर ने दिए, ना मेरे वो असातिज़ा होते, ना मेरे वो स्कूल कॉलेज होते, ना मेरी वो फैमिली होती, ना मेरे वो सीनियर्स होते, ना मेरा ये करियर होता जिसकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ, और ना मेरी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड होते. तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेटफॉर्म विच इज़ गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक कराची टू गिविंग मी द बेस्ट. Thank you so much. That was amazing. Please give it up one more time for Uzma Alkareem. Thank you. That was phenomenal. We're just keeping it brief. Can we just have two short questions, please? It's okay. Women are empowered. मुझे आवाज आ रही है. You just said about this thing ke wo ek khatoon ka attire ka problem. I always take advantage of this thing in Karachi. Itna confidently I do this ki aaram se koi na koi banda rukega aur attire badal dega ya gaadi heat up ho rahi anything. I was in Canada, meri gaadi heat up ho gayi side pe khadi hoke, bade mazey se I'm waiting ki koi na koi rukega. It was such like I think more than 1.5 hours I was standing, ek banda nahi ruk ke diya highway pe, everybody was passing by, and then eventually wo tow away ko bulaya and everything. बट यहाँ तो आई सो कॉन्फिडेंटली खड़ी हो जाती हूँ, अभी सुने रुके जरा इसको सही कर दे, इसको देख ले, वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली रियली. और इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए. सी वी हैव अनदर पॉजिटिव स्टोरी, आई जस्ट शेयर्ड वन एंड आई एम गेटिंग अनदर वन. माय डॉटर इज हियर शी इज ऑलवेज लाइक अ फेक फेमिनिस्ट है. मैंने कहा नो आई एम फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म अपनी जगह है, बट ये तो हम एडवांटेज लेंगे ना, एंड वी डू ऑलवेज गेट द एडवांटेज. दैट्स व्हाट द सिटी हैज गिवन अस. I hope the cameraman is getting the daughter's expression right now, because she's just like she's just like every child when their mother talks, they're like aap kyun bol rahi hain. Acha main bhi apna hi ek baat share karna cha rahi thi. Jaise aapne bataya ki humne public buses mein safar kiya hai, to maine bhi college life mein safar kiya aur jab sabse pehle guess hi aapne kiya ki main bus ki baat kar rahi hu. Ha, और उसमें ये था कि जब लड़के पीछे चढ़ जाते थे ना, तो हम अपने आप को सेफ समझते थे कि हम बहुत सेफ हैं भाई, ये साथ पीछे चढ़ गए, बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ पुटर पुटर, लेकिन हम सेफ हैं, बस ये होता था. यस आई एम सो हैप्पी किसी ने मुझसे. अच्छा ओके, वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर प्लीज. ये मीडिया का हमेशा डिबेट रहता है, पॉजिटिव स्टोरी वर्सेस नेगेटिव स्टोरी. एंड आई अंडरस्टैंड थोड़ी सेंसेशनलिज्म होनी चाहिए बिकॉज ऑफ रेटिंग्स, लेकिन आई स्टिल फील के जो मीनिंगफुल इश्यूज है, और मैंने पहले भी यही कहा था, विच रियली टच आर लाइव्स, राइट, मीनिंगफुल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, इश्यूज, आर्ट्स, कल्चर, आई फील मीडिया एब्सोल्युटली नहीं उसको
टच करता है. एंड इवन द टाइप ऑफ आप लोग की जो टॉक शोज होती है वहाँ जो टाइप ऑफ पीपल कम इन पॉलिटिशियंस से इट्स अ स्लिंगिंग मैच मच फेस्ट हो रहा है. आई फील यू नो एक ठीक है रेटिंग्स होती है पर एक चीज़ होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एंड आई फील द मीडिया इज फेलिंग मिजरेबली ऑन दिस काउंट. एंड आप इफ़ यू आर हैंडलिंग वुमेन्स इशू एंड यू अंडरस्टैंड कि आप जेंडर डिस्पेरिटी रेशियो अगर पाकिस्तान का देखें येस कराची में है बट इफ़ यू सी वी आर ऑन द लोएस्ट वन ऑफ द लो एब्स पर है तो आई थिंक 194 में 193 पर है हम एब्सोल्युटली. तो आई थिंक आई डोंट बिलीव दोज फिगर्स वो थोड़ी एग्जैजरेटेड है आई फील बिकॉज एक कंट्री का परसेप्शन भी है सो दैट ऑल्सो प्लेज इन दोज फिगर्स. आई थिंक इट्स वी आर नॉट दैट बैड बट वी आर प्रीटी बैड. वी नीड टू इम्प्रूव. यस सो आई फील मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इफ़ यू आर हैंडलिंग दैट पोर्टफोलियो आई वुड से चले और चीज़ें ने एटलीस्ट इस पर सर्टन व्हेन यू टॉक अबाउट पॉजिटिव स्टोरीज आई थिंक यू शुड लॉबी विद द मीडिया कि एटलीस्ट ये स्टोरीज टू इनकरेज अदर वेमेन टू हैव सम काइंड ऑफ यू नो दिल थोड़ा सा हल्के हो इंस्पिरेशन मिले. बिल्कुल ठीक. आई थिंक इसमें कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जिससे आप डिसएग्री करें बट द प्रॉब्लम इज देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हमारा पूल है और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको मीडिया में नहीं मिलेगी. इस पूल से लोग निकलते हैं प्रॉब्ली नॉट वेल एजुकेटेड क्योंकि एजुकेशन पर तो हमारा एक्सपेंडिचर ही नहीं है. तो इसी पूल से डॉक्टर्स निकलेंगे इसी पूल से इंजीनियर्स निकलेंगे इसी से लॉयर्स निकलेंगे जजेस निकलेंगे इसी से पॉलिटिशियंस निकलेंगे और इसी से मीडिया के लोग निकलेंगे. तो आई थिंक वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर ऑन दैट पूल क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स बैठे हैं अभी मेरे साथ एक इतना ही बड़ा मिसहैप हुआ. मैं फर्स्ट टाइम प्रिंट पर गई और एक बहुत ही सीनियर प्रोफेशनल का मैंने उसमें कॉमेंट लिया उस कॉमेंट को उन्होंने अपनी तरफ से ऐड करके लगा दिया तो आई वॉज सो एम्बेरस्ड. बट ये कि वही बात है कि जो डिसीजन मेकर्स बैठे हैं अब इस पूल में अगर 10 लोग अवेलेबल हैं और 15 की रिक्वायरमेंट है तो मेरे ख्याल से वो 10 तो आप ले लेंगे लेकिन वो 5 जो है वो फिर आपको लोअर पूल से ही लेने पड़ेंगे. तो आई थिंक दीज आर द इनिशिएटिव्स दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे इस तरह की बातें होंगी तो ही ये भी एक प्रोग्रेस है जिसमें हमें आगे जाना है. एंड सेकेंडली जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप सब लोग करंट न्यूज़ पॉलिसीज से जो हम दिखाए थे उससे अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते. अगर नहीं अग्री करते तो हाथ उठाइए जो कुछ न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है इस वक्त क्या बाकी सारी अग्री करते हैं तो नहीं करते वह नहीं का वाले हाथ उठाएं नहीं करते ना ठीक है. तो क्या है आज ही डिसाइड कर लीजिए कि अगर 8 न्यूज़ चैनल्स उठाइए उनकी वेबसाइट पर जाइए और लिखिए कॉमेंट एक साथ 8 के 8 चैनल्स पर आज ही आप सब लोग बैठ के लिखिए. That will create a change. अलग अलग आप ट्विटर पर डाल देंगे यहाँ डाल देंगे इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स बनाइए 20, 30, 40, 50, 100 लोग एक साथ एक चैनल की वेबसाइट पर लिखेंगे कि आपकी ये न्यूज़ हमें पसंद नहीं आई इसमें आपको ये दिखाना चाहिए था तो शायद उनको भी अंदाज़ा हो. अभी तो वही रेटिंग की गेम में हम फंसा लेते हैं और कहते हैं जी रेटिंग वही मॉर्निंग शोज में डांस की आ रही है या वही इन चीज़ों की आ रही है उससे जो पॉजिटिव दिखाया जा रहा है वो भी शायद नज़र कम आता है. तो आई थिंक वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ मीडिया पे ही हमें नहीं छोड़ देना है हमें खुद भी इनिशिएटिव लेना है. थैंक यू सो मच. प्लीज गिव इट अप वन मोर टाइम फॉर उज़्मा अलकरीम फॉर अ ब्यूटीफुल मैसेज.